निर्जला और ब्राह्मण की पत्नी। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास एक पालतू नेवला था जो उनके साथ ही रहता था। एक दिन जब ब्राह्मण काम पर था, उसकी पत्नी ने बच्चे को पालने में छोड़ दिया और पानी लाने के लिए चली गई। जब तक वह बाहर गई, उसने नेवले को बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा। जब नेवला बच्चे की देखरेख कर रहा था, उसी समय घर में एक सांप आ गया। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा, उसने उस पर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी पानी का बर्तन लेकर घर लौटी, नेवले के मुंह पर लगा खून देखकर वह डर गई और उसने सोचा कि नेवले ने बच्चे को मार दिया है। बिना कुछ सोचे समझे गुस्से से महिला ने नेवले पर पानी के बर्तन को गिरा दिया और एक छड़ी से उसे मार दिया। बाद में वह अंदर गई और देखा कि बच्चा खुशी से पालने में खेल रहा है और पालने के पास ही मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। इससे उसे हकीकत का एहसास हुआ और बिना सोचे समझे किए अपने कर्म के लिए उसे पश्चाताप हुआ। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कुछ भी करने से पहले सोच समझकर कदम उठाने चाहिए।